ये बारगाह है हजरत बंदा नमाज है यहां जिसका सर झुके वही सरफराज है अल्लाह अल्लाह नीस काबा सर दखन जो दर रहे के सुदराज बादशाह है दीन दुनिया का हजरत बंदा दुकान اولیاء اللہ کی
चिरागा क्या है, ये खुल की महफिल क्या है, बस रहे याद रखिए, ये हंसी आपको कयामत में रुलाने वाली हो कि आप बुजुर्गाने दीन के अजबादों बटवाबिल को, बुजुर्गाने दीन के तौर तरीके को तमस्कुर का अंदाजन क्या किए हुए है, तो ये मजाक, ये तमस्कुर, ये हंसी उन लोगों के लिए जो उर्स के नाम पर, चिदाना छंदल के नाम पर हंसी उड़ाते हैं, उनको कब कयामत में खबर में रोना पड़े। और जो Yeah.
Tapi kok kisi mufasir dia bahasa Indonesia?
सर पढ़ो आजकल के ये मुनकरीन
Maka dia kita harus sama aja. Masa lo juga kayak kayak anak kantor. Dari takdir sunnah katanya lo pada kita kerehe ke darah ke anak kita ke masa jadi kerehe orang dia tu dia buat ni. Boleh orang dia kan anak dia lo. Orang dia tu lah apa tu? Ni sekarang terdekat. इससे पहले के बयानों में आपको सुना चुका हूं कि काबा उन्होंने क्यों कहा उसकी भी तशरीहात मौजूद है तौसीयात है और मैं आपके सामने में इससे पहले बयान कर चुका हूं इसलिए वो बयान नहीं कर रहा हूं और औरंगजेब ने कोई बात गलत नहीं कही आप अगर उस मुकाम पर पहुंचे तो आपको भी ये बात खुल के सामने आ जाती है कि औलिया अल्लाह का मुकाम वहां पर है इस काबा तक दखन जिस दरगाह है के सुतरा बादशाह है दीन दुनिया ताबत बंदर खुद बादशाह है मगर क्या कह रहे हैं कि दीन और दुनिया के अगर बादशाह है हमेशा ताबत हमेशा अरे हमारी कुरान क्या है मरते जाते अब और उसे बड़े बड़े बादशाह आते बड़े बड़े बादशाह बन जाते हैं बादशाह लेकिन और Kajian nasional di Cirebon itu tuh pesan tentang
वली एक आखिर अगर उन्हें है और
ಪರವರಿಷ್ಠರೇ ಉಂಟು
गुरु बता रहा है जैसे तरह से बता दे वो दरगाह की बात करी तो मैं दरगाह भी करता हूं। आप देखिए दरगाह का कैसा फायदा होता है, आपने देख लिया औरंगजेब के क्या फायदा होता है, तो औरंगजेब ने कैसे आप दरगाह को काबा कह दिया। और ताबर बादशाह का हुजूर बंदरवास की तस्लीम किया औरंगजेब आलम भी। एक और वाकया सुनाऊं, हजरत नन्ना सिया रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग है, उनके साहबजादे हजरत यदुल्ला नाम ही उनके साहबजादे एक बुजुर्ग किया हुआ, तो हजरत उनको जो है सरकार बंदरवास से भी बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने क्या मामलों और तीन खतर कर दिए, बादशाह बोला गिरफ्तार करो इनको जो है तहकीक करो और इस पर जो है हद जारी करो या इसे जो है मामले डाल दो जो होता वो अंदाज। अब इनको जो मालूम हुआ इन जो हाजिर में नहीं हुए, अदालत में हाजिर नहीं हुए, चले गए चुप रहने गए, और भी खाजी को उसको जो है बड़ी तशवीश की वहाँ ढूंढने लगे वो करे, तो आप क्या करें हुजूर बंदरवास की दरगाह में बैठ गए। दरगाह में बैठे तीन दिन तक बैठे दरगाह में हुजूर बंदरवास की, उसके बाद से आवाज आई जाओ कुछ नहीं हुआ, जाओ कुछ नहीं होता। देखने आप दरगाह ये चीज होगी बोले ना और ये अल्लाह मदद नहीं कर सकते, फिर प्रैक्टिकल बता ये दरगाह की बात करो मदारे पाक की बात कर रहा हूं, मदारे पाक में वो बैठ गए चुपके तीन खतर कर दिए, खतर करने के बाद पना खा रहे हैं हजरत बंदरवास के चुतरा घंट लाल की दरगाह में बैठ गए। और आज कैसा होता आज कैसा होता है, आज भी कई लोग ऐसे चीजों से छुटकारा हासिल कर रहे हैं दरगाहों में बैठ के, आपको तो खबर भी नहीं है आप लोगों को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जरा मुश्किल पड़ती है दरगाह चले, कोई भी ज्यादा वो नहीं है अल्लाह का ऐसा क्या किया आपको बैठ गए तीन दिन दरगाह में आवाज आई कहने लगे जाओ कुछ नहीं होगा, ये कहना ये कोई नहीं सुना था।
खबर में गिरफ्तार सदा था, उसको मेरा पोता छुड़ा
ये है, ये प्रैक्टिकल का दौर होता है, और आजकल तो हम उम्मीद हो रहे हैं ये घिसबत कायम करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें कमजोर है तो इसके ऊपर वाला जो होता है ना वो मजबूत होकर काम करता है। इसलिए आज उम्मीद होना इसलिए जरूरी है, कामिल होगा उम्मीद जिनका सिलसिला कामिल है, बीच में से उड़े हुए नहीं, क्योंकि
सरकारी बंदरवाह में था कि मियां और खत्म हो गया।
10 दिन के बाद मौलाना शमसुद्दीन का इंतकाल हो गया। सरकार नमाज फरमाने के बाद बहुत तड़पता था, मौलाना शमसुद्दीन का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो खुद मुकदमात के सदरात रहमतुल्लाह ने खुद उनकी नमाज का जनाजा पढ़ा और खबर तक पहुंची। तकफीर के बाद अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें तो
फिर वापस से तो गुजरेगा उसको मुकामात से आ गया किसी वो तीन मौत क्या है सूफी सुर सिया सूफी सुर सिया बाद में फरमाया कि फकीर को भूखा और दूसरा फरमाया सूफियों की जुतियां पहनते हैं।